नोएडा प्राधिकरण ने यहाँ के किसानों से जमीन ये कह कर ली कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आप लोगों को अधिकारी बनाएंगे, आप लोगों को उद्योगपति बनाएंगे, लेकिन उसके नाम पर यहाँ की जमीन अधिकारियों ने ठग ली और आज अच्छा शहर बसाने के नाम पर नोएडा के किसानों ने जो जमीन दी, जो उससे ज़मीन पर बसने लोग आए उनके साथ भी आज उस प्राधिकरण ने धोखा किया है। आज डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए यहाँ ऐसी जगह चिन्हित की है जहाँ यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के 3-4 लोग उस टेंडर में पार्टनरशिप है जिनकी, और जो अस्थावली में पिछली सरकार ने जो जमीन प्रस्तावित थी उस जमीन को आसपास बहुत महंगे रेट हो गए हैं, बराबर में एयरपोर्ट है इसलिए जमीनों के रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने वहाँ ज़मीनें खरीद रखी हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचाने के लिए अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारी और भाजपा के नेताओं की मिली भगत से यह डंपिंग ग्राउंड बन रहा है जिसका आम जनता है विरोध कर रही है, हम लोग भी करके डटकर मुकाबला इसका कर रहे हैं, विरोध करते हैं। यहाँ पर ये अथॉरिटी की गाड़ियाँ इसको डालकर जाती हैं, ट्रक जो हैं अथॉरिटी के हैं वो ना, जहाँ डंपिंग स्टेशन है जहाँ पर डालने का उनका ऑर्डर है वहाँ ना डाल के वो यहाँ डाल जाते हैं, और अपना जो है डीजल वीजल बचाने के लिए वो थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए फिर उसके अंदर वो थोड़ा सा डीजल डालकर उसमें आग लगा देते हैं जी। फिर उसके बाद में ये टोटल जो है इसको कवर कर लेता 43 को, ये सब के अंदर जो है फिर परेशानी का सबक हो जाता है, सब बच्चों को दमे की और उसकी शिकायत है आज की तारीख में, और बुजुर्गों को ज़्यादातर खासकर और बच्चों को। तो सर यहाँ जो कूड़ा फेंका जाता है ये बस सोसाइटी का, यहाँ आसपास की सोसाइटी का फेंका जाता है या पूरे नोएडा का फेंका जाता है? ये सारे नोएडा का नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं, ये अथॉरिटी के ट्रक लेकर आते हैं और धमकी दे के और चले जाते हैं, अगर जो है बोले तो और चढ़ा देंगे ट्रक साले तुम्हारे ऊपर। और हम आज 4 दिन से हम बुझवा रहे हैं इसको लगातार 4 दिन से बराबर जो है नोएडा अथॉरिटी से जो है फायर सर्विस की जो है गाड़ियां हैं वो आ रही हैं बराबर, अभी भी हमने अभी टेलीफोन करा है अभी भी आ रही है गाड़ी जो है, एक जो है आज अथॉरिटी ने JCB को भेजा है कि अभी खोलने के लिए कि भाई इसको खोलो, अन्य शाम तक जो है ये इतने धुएं में तब्दील हो जाएगा कि पूछो मत आप जो है, यहाँ पर सांस लेना भी दुर्बल हो जाएगा।